अगर आप ये वीडियो हिमालय लेने से पहले देख रहे हैं तो आप सभी को ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं लेके निकला हूँ हिमालयन को पहाड़ों की तरफ, क्योंकि मैं आज आपको इसका सिटी राइड और माउंटेन राइडिंग एक्सपीरियंस दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कैसा है। तो अभी हम जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ एंड देखते हैं। आज है संडे तो हमें बहुत सारे राइडर्स भी मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं RS 200 स्प्लेंडर, बहुत सारे लोग हैं जो गाइस आज राइड पर भी निकलेंगे। तो अब हम भी राइड पे जा ही रहे हैं छोटी सी, बट ये राइड स्पेसिफिकली होने वाली है हिमालयन राइडिंग एक्सपीरियंस की। तो अभी हम चलते हैं एंड देखते हैं क्या सीन है। सो गाइस, एज आई हैव बीन यू नो नॉट पोस्टिंग एनीथिंग, मैं बहुत टाइम से कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहा था, उसका बहुत बड़ा रीज़न है गाइस। सो बेसिकली मैं इतने टाइम से कुछ पोस्ट इसलिए नहीं कर रहा था, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, आई एम मेकिंग समथिंग बिग। जैसा कि आप देख सकते हैं 2001 किलोमीटर हमारी हिमालयन चल चुकी है एंड 5000 पे इसकी दूसरी सर्विस हो रही है। एंड आई बिलीव कि 5000 से पहले एक बहुत बड़ा लॉन्ग ट्रिप भी हो जाएगा उसके अंदर कवर। सो अभी मैं लॉन्ग ट्रिप पे नहीं जा रहा हूँ गाइज, उसका भी एक रीज़न है, लाइक आई हैव अ प्लान। वो एग्जीक्यूट अगर हो जाता है उसके बाद मैं बहुत अच्छे फुल प्रॉपर तरीके से लॉन्ग राइड पे निकलूंगा। एंड फॉग लैम्प्स की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट्स अ मेजर इन्वेस्टमेंट आई वुड नीड टू डू इन दिस बाइक। क्योंकि आपको पता है गाइस, पहाड़ों पे अगर रात को राइड करना है या कहीं पे भी रात को राइड करना है तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉग लैम्प्स की। तो अभी आप देख सकते हैं लोग बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहे हैं, तो एक बार स्पीड रन हम भी देते हैं एंड चलते हैं, देखते हैं क्या सीन। अभी का सीन कुछ ऐसा है गाइस, अभी हम चलते हैं पहाड़ों की तरफ एंड आपको उसके बाद मैं सीन बताता हूँ क्या रहेगा और हमारा आज का जो प्लान है वो क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके माउंटेन राइडिंग एक्सपीरियंस की। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने वीडियो स्टार्ट ही पहाड़ों में करी है, तो जैसा कि आप आसपास देख सकते हैं अभी सनराइज होने वाला है थोड़े से टाइम में। सो गाइस, मैंने सुना है कि लोग कह रहे हैं कि हिमालयन का राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। देखो, सबका अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होता है। अगर आप हिमालयन लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको जेन्युइन और एकदम अच्छा रिव्यू देने वाला हूँ हिमालयन का, कि क्या आपको हिमालयन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या इसका जो रेट है वो वर्थ इट है या नहीं है। सो गाइस, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हिमालयन इन दिस वीडियो, कि उसका माउंटेन राइडिंग एक्सपीरियंस में कैसा है एंड सब कुछ कैसा रहता है। तो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है और तब तक आप इंजॉय करें गाइस सिनेमैटिक्स। तो गाइस, आई होप आप सभी को सिनेमैटिक अच्छे लगे होंगे। अगर आपको सिनेमैटिक अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हम जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाएँ। आई नो वीडियोज़ थोड़ी सी चैनल पर डिले हो गई हैं, बट टेंशन ना लो, तुम्हारा भाई कुछ तगड़ा ही लेके आने वाला है चैनल पर थोड़े टाइम के बाद। तो स्टे ट्यून गाइज, इनएक्टिव मत हो जाना, आई डू नॉट वॉन्ट माई ऑडियंस टू बी डेड, आई एम रियली सॉरी। मैं थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ, बट आई बिलीव जब भी मैं कंटेंट डालूंगा तो मैं बहुत फाड़ कंटेंट डालने वाला हूँ। मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि रादर देन क्वांटिटी आई विल फोकस ऑन क्वालिटी। तो अभी आप टेंशन ना लो, विद इन टाइम जो भी आप वीडियो देखने वाले हो वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगी। सो अब बात करते हैं हिमालयन की माउंटेन पे, कि हिमालयन माउंटेन्स में कैसी चलती है, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट आता है बाइक का वेट। लोग कहते हैं हिमालयन का वेट बहुत ज़्यादा है, बट आई बिलीव, मैं कहता हूँ ये बात गलत नहीं है। हिमालयन का वेट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बाइक्स। जैसे मैं थंडर चला रहा था तो थंडर मुझे भारी नहीं लगती थी काफ़ी टाइम बाद, लाइक मैंने उसको चलाया, मैं नॉर्मल किसी भी बंदे को दूंगा, ही वाज लाइक ओ भाई ये तो बहुत भारी है, ओ भाई ये तो बहुत भारी है। जैसे ही गाइज मैंने थंडर से हिमालयन पे शिफ्ट करा ना, तो आई फेल्ट कि यार इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है हिमालयन का, बट ऐसा नहीं है। जो थंडर का वेट है वो हिमालयन से 2 kg ज़्यादा है,
तो मैंने कहा चलो ठीक है, विद इन टाइम वेट की अगर आप बात कर रहे हो, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट वेट, तो गाइज जैसे जैसे आप बाइक चलाओगे, जैसे जैसे आप बाइक के साथ यू नो ट्रैवल करोगे, घूमोगे, राइड पे जाओगे, तो आप उसके वेट को ईजिली संभाल सकते हो। एंड दूसरी बात, बाइक की थोड़ी सी जो हाइट है ना वो थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, बाइक की हाइट ज़्यादा है। व्हेन यू आर सिटिंग ऑन दिस बाइक यू विल फील लाइक भाई मैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर हूँ, तो दैट्स अ गुड फीलिंग। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात करें तो अच्छी है, तो वेट का जो सीन है वो क्लियर हो जाता है, तो आपको वेट को लेके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आप अपनी बाइक को चलाते रहोगे, जैसे जैसे आप चीज़ें करते रहोगे दो तीन बाइक के साथ, यू विल बी एबल टू मैच द वेट वेरी इजिली उस बिना किसी दिक्कत के। सेकंड पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट गाइज लीनिंग, हिमालयन पे लीनिंग कैसी होती है। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इजिली लीन कर पा रहा हूँ बाइक पे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अभी ये सीन है कि स्टार्टिंग में जब मैं हिमालयन चला रहा था मेरा लाइन इशू बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। ये देखो कुत्ते आ जाते हैं, बहुत मेरा लाइन इशू बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैं नहीं संभाल पा रहा था, क्योंकि एक तो हाइट इंक्रीज़ हो गई थी, सब कुछ इंक्रीज़ हो गया था, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब लीन चेक करना, लीन की अगर बात करें सो गाइस इतना मुश्किल नहीं है यार, लीन इज़ ईजी ऑन दिस बाइक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यू कैन ईजिली लीन दिस बाइक। हाँ ये है कि हाइट बहुत ज़्यादा है तो समटाइम्स इट फील लाइक ओ भाई मैं गिर तो नहीं जाऊँगा, टायर स्किट तो नहीं हो जाएगा। तो पर्सनली मैं बोलूँगा मैं इसको 2000 प्लस किलोमीटर चला चुका हूँ एंड मैंने काफ़ी लीन भी करी है बाइक को, बट एज सच कोई इशू नहीं है गाइज, टायर बिल्कुल भी स्किट नहीं करता एंड ABS भी इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो टायर स्किट होने का चांस है नहीं। अनटिल एंड अनलेस देखो बढ़िया चलाओ बाइक को, मैं यही सजेस्ट करूँगा, अच्छे से चलाओ, अच्छे से रखो, अगर तुम बाइक की इज्जत करोगे देन तुम्हारी बाइक 100% इज्जत करेगी। तो अभी मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि गाइज हिमालयन का लीनिंग एंड वेट वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, हिमालयन का वेट भी काफ़ी सही है एंड ईजिली मैच हो जाता है, एंड हिमालयन का जो लीनिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। Although I'm not an expert in leaning the bike, but yes, I believe I do it fine, like normally. See, this is lean, right? This is lean. So basically, अभी हम lean ही कर रहे हैं, और हमने इसको थोड़ा let's go. See guys, you can easily do it. यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये देखो, lean हो जाता है बढ़िया, कोई ऐसा issue नहीं है. देखो, line lean है, बढ़िया lean हो रहा है, without any problem. ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो, गो विद द रोड, है ना। सी बढ़िया लीन है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो नहीं लगती गाइस कोई भी दिक्कत हिमालय को लीन करते हुए। बट हाँ, इफ़ यू आर न्यू एंड यू आर राइडिंग दिस बाइक फॉर द फर्स्ट टाइम, यू विल फील लाइक ओ भाई आई एम ऑन अ वेरी गुड हाइट, तो वो तुम्हें थोड़ा सा फील करा सकता है। तो आप टॉय ट्रेन देख सकते हो, इनको हेलो करते हेलो हेलो, लेट्स टॉक अबाउट ब्रेकिंग एंड स्पीड। सो गाइज स्पीड हिमालयन की बहुत ज़्यादा है, 452 cc का इंजन है एंड रोड क्लोज्ड। ओके लेट्स स्विच देन, इजी जाना पड़ेगा क्योंकि लोग बहुत तेज आ रहे होंगे। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट हिमालयन की स्पीड, तो पहले गियर में इट्स गुड जस्ट फॉर द इनिशियल पिक, सेकंड गियर में लाइक गेयर्स का तो आपको चलो आइडिया है ही है बेसिक, है ना। एंड आई ऑल्सो थिंक दैट जस्ट अ मिनट काफ़ी तगड़ा पहाड़ गिर चुका है गाइस, काफ़ी तगड़ी चट्टाने गिर चुकी हैं। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट स्पीड एंड एवरीथिंग। सो गाइज पहली बात तो ये ना, स्पीड हिमालयन की बहुत ज़्यादा है, जब भी आप बाइक पे बैठोगे यू विल फील लाइक यू वांट टू ड्राइव दिस फास्ट, यू वांट टू ड्राइव दिस फास्ट, आपको एक ही फीलिंग आएगी यार मैं तेज़ चलाता हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, मज़ा बहुत आता है बाइक को तेज़ चलाने में, क्योंकि बाइक एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू दूसरी एडवेंचर बाइक्स, है ना। ड्रैग में इनिशियल पे एवरी थिंग इज़ गुड, मैंने खुद चेक करा है पर्सनली, तो आई बिलीव कि हाँ यार ये तो बहुत फास्ट है, तो इसके लिए लाइक 100 तो कुछ भी नहीं है, विद इन यू नो अ फ्यू सेकंड्स इट टर्न्स टू बी 100। लाइक मैं आपको ये वाली वीडियो गाइस आपको ना डेडिकेटेड मेरे चैनल पे दिख जाएगी थोड़े टाइम बाद। सो गाइस ये देखो कितना बढ़िया लीन हो रहा है, इट इज गुड यार, लीनिंग के मामले में बाइक बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं।
शिट ओह फक फक शिट भाई, वी आर ओवर द क्लाउड्स गाइस, वी आर ओवर द क्लाउड्स। आप देख सकते हैं भाई, क्रेजी सीन है भाई, क्रेजी सीन, क्रेजी सीन बाबा, क्रेजी सीन। ओ भाई, इट फील्स लाइक आई एम ऑन द टॉप ऑफ द क्लाउड्स भाई, क्या सेक्सी लग रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको तीन चीज़ों के बारे में बताया। सबसे पहला हिमालयन का वेट, हिमालयन का जो वेट है ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वेदर टाइम मैंने आपको जैसा बोला, बार बार यूज टू हो जाओगे, थोड़े टाइम बाद यूज टू होने के बाद आपको हिमालयन का वेट कुछ नहीं लगेगा। सेकेंड पॉइंट गाइस इस बाइक का ये था कि लीन कैसी हो रही है। सो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा कि मैंने बाइक को बहुत अच्छे से लीन करा एंड एवरीथिंग, इट वॉज फाइन। बट आई एम नॉट अ एक्सपर्ट लीन, आई एम नॉट अ लीन एक्सपर्ट, बट यस, जितना मुझसे हो सकता था मैंने उतना करा एंड अभी तक मुझे कोई फ्लॉ नहीं लगता, टायर स्किप नहीं होता। थर्ड पॉइंट गाइस, स्पीड। सो गाइस, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट हिमालयन स्पीड, हिमालयन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़िया है, विदाउट एनी प्रॉब्लम हो हिमालयन पे स्पीड लाइक माउंटेन पे आराम से क्रूज कर सकते हैं 70-80 पे। तो अभी सो गाइस, इस वीडियो को एंड करने का सही वक्त आ चुका है, प्लीज़ वीडियो करते हैं यहीं पे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्दी के अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग बूस्टर कंटेंट। तो मैंने आपको पहले बोला है क्वालिटी पे फोकस करा जाएगा आपसे एंड क्वान्टिटी कंटेंट नहीं आया करेगा। सो आई विल शेड्यूल द पोस्ट पूरे टाइम में यूट्यूब पे, तो स्टे ट्यून्ड। माउंटेन राइड्स पे आना मत बंद करो।